शायद इससे थोड़ा आगे की है, लेकिन मैं मायावती के मुद्दे पर मैं जरूर कहूंगा कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जब से भी अस्तित्व में है, चाहे वो सपा के साथ रही हो, भाजपा के साथ रही हो या अकेले सत्ता में आई हो, कभी भी वो चुनाव के पहले वो इस तरह से नजर नहीं आती है। और हमेशा ये माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी फिलहाल पिछले एक दशक में बीच का एक स्पेस उसी का है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि कौन किसको धक्का देकर पहले और तीसरे पर आता है, लेकिन दूसरे नंबर पर मायावती परमानेंट बनी हुई है। दूसरी एक जो बड़ी चीज है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और उसके नेताओं के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि शायद अगर एक कोई पार्टी है जहां करोड़ में टिकट देकर बिकते हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन ये होने के बावजूद मायावती या बहुजन समाज पार्टी की छवि के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, एक बात जरूर है जो भदौरिया साहब ने आते ही कहा, आरक्षण के मुद्दे को क्या बिहार की तरह यहां आगे ले जाया जाएगा, और उसको ले जाएंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो बौद्ध धम्म यात्रा चल रही है, जो भाजपा का झंडा लगाकर और ढेर सारे बौद्ध भिक्षु गांव-गांव में जा रहे हैं दलितों के बीच में, ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है शायद इसकी काउंटर स्ट्रेटजी कम से कम समाजवादी पार्टी के पास नहीं है और इस पर भाजपा और बसपा लड़ रहे हैं। अभय दुबे।